तो ऑल राइट गाइस, आज हम लोग देख सकते हैं बीज माई की #1 inventory। और हाँ गाइस, ये भाई बहुत ही खतरनाक इन्वेंट्री, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक एक्सूट देखने को मिलने वाला है। हर एक गन की स्किन देखने को मिलने वाली, वो हर एक व्हीकल की खतरनाक से मिथिक स्किन देखने को मिली, और इमोट और कपड़े इतने सारे। स्क्रॉल करते करते ना भाई अब थक जाओगे, लेकिन चीजें खत्म नहीं होने वाली है। जी हाँ गाइस, तो चलो गाइस देखते हैं आज भाई ये कौन खतरनाक आदमी है जिसने ये तहलका मचा के रखा है। और इससे पहले कि तुम लोगों के यहाँ पर दिल वगैरह फट जाना, भाई एक लाइक कर देना चैनल, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये जो इन्वेंट्री है गाइस, ये है NSG हर्स की। और इससे पहले भी हम लोग एक जो यहाँ की आई थिंक दूसरी आईडी थी पबजी वगैरह की, मेरे को याद नहीं है, उसका भी हम लोग दिखा चुके हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इनकी पॉपुलरिटी देखते हैं। 48.98 मिलियन पॉपुलरिटी है इनकी। खैर पॉपुलरिटी का हिसाब किताब थोड़ा चेंज हो गया, तो दिखने में वैसा ही फील नहीं हो रहा, वरना पहले #1 #2 पे कुछ इस तरीके से आते थे। अब भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पता है कुछ लेवल वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर। आप गाइस चलते हैं सबसे पहले टाइटल्स में। जी हाँ गाइस, इनके पास ऐसे ऐसे टाइटल है ना भाई, उतने पुराने जमाने के मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये आप लोग देखिए, ये देखो यहाँ पे इनके पास जो रॉयल पास देखा था, जो आपने पबजी मोबाइल में जो आया था रॉयल पास के, इनके पास देखो RP Season 10 Rank 2, मतलब कि Season 10 जब पबजी मोबाइल में था ना ये आईडी इनकी, तब ये Rank 2 पे थे भाई उस समय। और यहाँ पे देखो RP Season 13, मतलब हर एक ऑलमोस्ट RP 13 RP 12 पता नहीं कहाँ कहाँ। और ये देखो अभी RP M 14 Top 10, मतलब अब जो बीच माई के अंदर RP आ रही है ये इसके अंदर भी भाई टॉप पे, और टॉप स्टार #6 और बाकी अमेजिंग सेलिब्रिटी #1 भाई, ये एक अलग चीज है, ये आपको मिलेगी पॉपुलरिटी रैंकिंग में। आगे देखिए सबसे पहले आप लोगों को आना है पॉपुलरिटी रैंकिंग में, और यहां आपको मिलेगी क्लाउड रैंकिंग। और क्लाउड रैंक में अगर आप लोग देखोगे ना, आई थिंक ये पहले या दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यस गाइस, ये पहले नंबर पर चल रहे हैं। अब ये क्लाउड रैंकिंग एग्जैक्टली क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट भाई साहब ये कुछ तो है, क्योंकि यहां पे बंदा अगर #1 बैठा है। इसी के साथ में गाइस इनकी कुछ और भी रैंकिंग्स हैं, इनकी अचीवमेंट रैंकिंग और बहुत सारी रैंकिंग, उसमें भी अगर आप जाके देखोगे ना भाई ये टॉप पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेन पॉपुलरिटी रैंकिंग में 39 नंबर पे चल रहे हैं, और क्योंकि भाई यहां पे लोगों ने बहुत सारी पॉपुलरिटी देख रखी है ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर हम लोग अचीवमेंट रैंकिंग में आए तो भाई ये चल रहे हैं 3rd नंबर पे। जी हाँ गाइस, एनर्जियर्स भाई अचीवमेंट रैंकिंग लिटरली भाई, मतलब एक तो इतनी महंगी आईडी और भाई रैंकिंग में भी ये बंदा पीछे हट नहीं रहा है। तो चलो गाइस अभी बाकी की सारी चीजें देखते हैं। तो और क्या होता है, देखो अवतार तो ये तो नॉर्मल चीजें होती हैं आई थिंक, सो मेरे हिसाब से कुछ दिखाने का। अवतार फ्रेम हाँ ये थोड़े से यूनिक होते हैं, बट इसमें भी कुछ खास हम लोगों को नहीं देखने मिले, क्योंकि अवतार फ्रेम में कुछ खास मिथिक वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती है जो आपको। लेकिन हाँ प्लेयर कार्ड जो नई चीज आई है वो भाई इन्होंने अनलॉक कर रखे हैं अपने तीनों के तीनों। मैं एक बार दिखाता हूँ, इन्होंने देखो अभी जो प्लेयर कार्ड यूज कर रखा है ना, देखो आप लोगों को मैं बैक करूंगा तो ये देखिए जहां पर इनका नाम वगैरह लिखा रहा है यहां पर ये प्लेयर कार्ड यूज हो रहा है। तो दैट्स इट गाइस, अभी ये इतना हो गया है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ इनकी इन्वेंट्री में। जी हाँ गाइस, इनकी इन्वेंट्री में अगर आप जाएंगे तो हमें यहाँ पर 3 बुगाटी के कॉइंस और साथ में देखो एक्सूट वाले 6341 कॉइंस रखे मिल रहे हैं। पता है गाइस ये किसके लिए, ये सिर्फ आपके लिए। जी हाँ गाइस, ये गिव अवे करते हैं अपने चैनल पे हर सैटरडे को लाइव स्ट्रीम के द्वारा। तो अगर आप लोग चाहो तो देखो भाई ये सब आपके लिए इन्होंने रखा है सजा के। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, और वेट करना आपको एवरी सैटरडे का। और देखो इस सैटरडे भी ये स्ट्रीम करने वाले और गिव अवे करेंगे बुगाटी और एक्सूट का। तो बस आपको जल्दी से जाके इनकी स्ट्रीम ज्वाइन कर लेनी है, और गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है ये आपको खुद अपनी स्ट्रीम में बता देंगे। बट फिलहाल के लिए आपका क्या काम है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन खोलनी है, उसके बाद इनके चैनल का लिंक, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन तो ऑल पे करना, और बाकी रही बात इन बुगाटी और एक्सूट की तो इसमें जाके पार्टिसिपेट सैटरडे को जरूर करना। तो चलो गाइस अभी देखते हैं सबसे पहले इनके पास एक्सूट कौन कौन से। तो जी हाँ गाइस, इनके पास ऑलमोस्ट सारे एक्सूट है आप कहोगे, लेकिन मुझे एक एक्सूट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि शायद इनके पास नहीं है, लेकिन उसकी कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेरो एक्सूट भाई, क्या प्योर मैक्स आउट है भाई इसका, फ्रेंजी फॉर्म भी इन्होंने अनलॉक कर रखा है, क्या बात है भाई यार। मेरे पास ये एक्सूट है लेकिन मैक्स आउट नहीं है, मतलब इतना वाला, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ब्लड रेवन एक्सूट, ये भी फाइनल फॉर्म में, और ये एक्सूट आई थिंक आप सभी का फेवरेट होगा, और क्योंकि मेरा भी फेवरेट है भाई, ये एक्सूट सबका फेवरेट है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस इसके बाद में, तो पोसाइडन एक्सूट, ये भी इनका फाइनल फॉर्म में है। तो भाई देख सकते हो स्पॉन आइलैंड ब्रॉडकास्ट, भाई साहब क्या इमोट है यार, मतलब मजा आ गया भाई ये वाले एक्सूट को भी देख के। तो गाइस अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो इनके पास अवलांच एक्सूट जिसको हम लोग ग्लेशियर एक्सूट बोलते हैं, ये भी इनके पास पूरा फाइनल फॉर्म में है। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कोई ऐसा एक्सूट नहीं, और वो तो और भाई फाइनल फॉर्म मतलब फुल है, देखो सारे के सारे फाइनल फॉर्म एकदम मैक्स आउट कर रखे हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट चलते हैं, तो भाई नेक्स्ट वाला एक्सूट कौन सा, ऐसे स्लिमनेस एक्सूट है, और ये वाला एक्सूट पता है गाइस कब आया था, जब बीच में हमारा इंडिया में पहली बार जब लॉन्च हुआ था ये एक्सूट, हमें उस दौरान देखने को मिला था, काफी बढ़िया एक्सूट था, मैंने इसको मैक्स आउट भी किया था। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना।
तो भाई देख सकते हो। और हाँ इसके बाद में जो अभी ये नया एक सूट आया था भाई, इसको ये मैक्स करने वाले हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसको भी मैक्स करने वाले हैं। इनके पास देखो, अगर आप लोग देखोगे ना, सोने की ईंट और सिल्वर की ईंट रखी हुई हैं, मतलब ये इसको भी मैक्स करने वाले। ये भी ऑलमोस्ट इनका मैक्स है, आप ये मान लीजिए। ये फेरो की सिस्टर्स को काफ़ी लोग बोलते हैं। अब जो गाइस नेक्स्ट एक सूट है वो जोकर वाला ना, वो आप लोग सोच रहे होंगे भाई वो क्यों नहीं है। तो देखो, जब बीजमाई में इनकी आईडी थी ना पबजी मोबाइल में, वो एक सूट आया था, लेकिन बीजमाई के अंदर अभी वो आया नहीं है। अगर आया होता तो वो पक्का इस वाले एक सूट को भी मैक्स आउट कर लेते। तो मैं इस तरीके से यही मानूंगा कि हाँ भाई, इनके पास ये वाला एक सूट भी है। और रही बात इस वाले एक सूट की, तो भाई ये एक सूट लिटरली भाई, ये अगर आया ना तो भाई मैं तो इसे मैक्स आउट करने वाला हूँ। बट बीजमाई के अंदर पहले भाई कोई मोड ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ये एंट्री मोड है, और इसका मैं तुम लोग एक बार ना स्पॉन आयरन ब्रॉडकास्ट दिखा देता हूँ। वैसे तो ये इन्वेंट्री की वीडियो मुझे पता है, लेकिन यार जब मैं ये वाले एक सूट को देखता हूँ ना, तो मैं इन दो चीज़ों को ना इग्नोर कर ही नहीं सकता भाई। देखो तुम, अब देखना 3-2-1 एंड बूम, भाई साहब क्या निकल के आते हैं भाई सारे के सारे जोकर। और तो ऑल राइट, अभी चलते हैं सबसे लास्ट वाले एक्सूट पर, जो कि अभी इस समय भाई आके रखा है, और जिसका नाम क्या है, स्टिगल लीग एक्सूट। पता नहीं क्या है भाई, इसको तो कुछ मत ही बोलो यार, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता है एक्सूट। बट फिलहाल ये इनके पास फाइनल फॉर्म है, और इन्होंने एनर्जी रिलीज इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बोल रहे थे ये एक्सूट ज़्यादा अच्छा है नहीं, और ऊपर से ना इसमें फिर एनर्जी रिलीज करना क्या मतलब ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सूट की कहानी खत्म हो जाती है। जी हाँ गाइज, तो इनके पास ऑलमोस्ट हर एक एक्सूट है। अब जो सबसे बेस्ट चीज़ आने वाली गाइज, वो है इनकी गन इन्वेंट्री। जी हाँ, गन लैब बोलते हैं जिसको, क्योंकि गन लैब में तुम्हें दिखाऊंगा। तो देखो, पहली बात तो बता दूं, इनके पास हर गन की स्किन है, बस एक गन को छोड़ के। अब वो कौन सी गन है ना, वो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इनके पास कौन सी गन की स्किन नहीं है। तो आप पहले पूरी गन लैब देख लीजिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं और वहां से देखेंगे इनके पास कौन कौन सी गन मैक्स है। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ब्लड एंड बोल्स M16 की, भाई साहब लूट क्रेट तो गजब है। इसके बाद में देखिए M416 फुल ग्लेशियर, सॉरी ग्लेशियर भाई, ये भी इनके पास मैक्स आउट है। और ये है M416 फुल, ये भी पूरी लेवल 7 की है। और एक बार इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, बस भाई साहब मस्त है यार। क्लिप वीड वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को इन गन के। ठीक है, इसके बाद में यूजी है लेवल 5 की, स्कारल वाटर ब्लास्टर लेवल 7 लूट क्रेट, एंड ये देखो भाई क्या गजब की है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है द 7 सीज, और यहाँ पर भाई ये AKM गोल्ड पायरेट्स, भाई बहुत पुरानी AKM की स्किन है, मजा आया था। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ड्रैगन फायर UMP5 लेवल 7 की यहाँ पर आप लोग देखने मिल जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं गाइस, यहाँ पर स्कारल वाली, भाई ये तो मेरी भाई फेवरेट है, बट बहुत पुरानी है, मेरे पास है नहीं, बट लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये भी भाई। इनकी पूरी की पूरी जो भाई लेवल 7 होकर रखी है। ये वैगली वेक्टर मेरे पास है, बट कुछ ज़्यादा खास है नहीं ये वाली। और यहाँ पर ये वेंडर भाई साहब, ये भी मैक्स आउट है, क्या बात है भाई साहब। मेरे पास ये वाली गन की स्किन है मेरी दूसरी आईडी में, लेकिन मैक्स आउट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पर ये तो थॉमसन की स्किन है, लेकिन ये AKM ग्लेशियर भाई, ये तो सबकी फेवरेट है और मेरे पास भी है और पूरी मैक्स आउट भी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी जितने भी हम लोग गन की स्किन देख रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाओ, सारी की सारी मैक्स आउट है भाई। और मैं भी आप लोगों से एंड में एक सवाल और पूछूंगा, एक तो मैं पूछ चुका हूँ आप लोगों से, एक और पूछूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऑपरेशन टुमारो भाई, ये भी पूरी मैक्स आउट है। ये वाली, ये कौन सी फूल है भाई साहब, लिजार्ड रोर भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट स्किन है भाई। ये भी एक शॉर्ट गन की भी है भाई, क्या बात है भाई, ये भी फाइनल फॉर्म होकर रखी है भाई। और ये कौन सी है भाई, ऑरा पल्स, ओके ये भी भाई पूरी मैक्स आउट है, इसमें एलिमेंट ब्रॉडकास्ट भी है, क्या बात है। डिजर्ट फोसिल AKM, ये भी पूरी मैक्स आउट है लेवल 7, नाइस भाई साहब। इसके बाद में नेक्स्ट है होम पे आते हैं मोवे एवेंजर, ओ भाई साहब ये वाली गन की स्किन मेरे पास भी है पूरी की पूरी मैक्स आउट भाई। इसके बाद में ये है VSS की स्किन, ठीक है ये भी पूरी मैक्स आउट है। इसके बाद में एक और M4 की स्किन आई है, ये कॉल ऑफ द वाइल्ड, ये भी पूरी मैक्स आउट है, इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट भी ठीक ठाक है। ओ भाई साहब ये वाली कौन सी है भाई, ये गन की स्किन क्या मस्त है भाई, बहुत पुरानी लग रही है लेकिन मेरे को पता है ऐसा लग रहा है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये देखो एक और UMP45 है, क्या ये भी मैक्स आउट है भाई, कितनी पुरानी स्किन है, मिनी 14 की भी स्किन है क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। ओ भाई ये वाली स्कारल की मेरे पास स्किन है भाई, पूरी मैक्स आउट है मेरे पास भी, और इन्होंने भी मैक्स आउट करके रखी है। तो आप लोग देख रहे हो भाई कितनी सारी स्किन है, देखो भाई SKS की गन की स्किन मैक्स आउट कौन करता है यार, लिटरली भाई गॉडज़िला की स्किन, ये तो भाई सबकी फेवरेट है मुझे पता है। ये वाली गन की स्किन उन्होंने मैक्स नहीं कर रखी, पता नहीं क्यों नहीं कर रखी। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम जो गन की स्किन देखने वाले हैं ये मैक्स आउट नहीं है, लेकिन तुम लोग मुझे दूसरे सवाल का जवाब दो कि कितनी मैक्स आउट गन की स्किन के पास में है, तो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आते हैं गन की स्किन को छोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके पास में कपड़े कौन कौन से। तो यहाँ पर देखते हैं भाई इनके पास हर एक अल्टीमेट सेट है, यहाँ पर देखो मेजेस्टिक कैवेलरी सेट, ब्रैम्बल ओवरलेट सेट, और इसके बाद में लाइटनिंग नेबुला सेट, हर एक सेट है भाई, ये सारे के सारे अल्टीमेट सेट है, बट मेरे पास इतने
नहीं है तो मैं इनको देख के ही मन बहला लेता हूँ। अब ये तो यहाँ पर सेट हो गए, लेकिन और एक सूट तो मैं आप लोगों को दिखाई चुका हूँ भाई। नीचे जितने भी मिथिक सेट है ना भाई, मिथिक तो छोड़ो गाइस, इनके पास ऐसे ऐसे मिथिक रेयर सेट है ना जो बहुत पुराने भाई। देखो तुम यहाँ पर देखते जाओ गाइस, मैं अब यहाँ पर भाई ज़्यादा नाम लेने वाला, लेकिन तुम लोगों को पता है कि कौन से एक्सूट का कौन से मिथिक सेट का क्या नाम है, जो आपका फेवरेट होगा या जो आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो भाई इन्फेक्टेड पेशेंट सेट भाई, इसका हाथ क्या लग रहा है, और ये तो गॉडजिला वाले भाई। तो देख रहे हो गाइस कितने सारे मिथिक सेट हैं। अगर मैं मिथिक सेट एक एक का नाम लूँ ना भाई, एक अलग से वीडियो बन जाए 20-25 मिनट की। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता जा रहा हूँ भाई फास्ट स्पीड में गाइस, तुम लोग देखते जाओ। अब ये तो मिथिक सेट पता नहीं कब खत्म होंगे। मैंने एक चीज़ और जो सबसे बेस्ट देखी इनकी इन्वेंट्री में, कि इनके पास जितने भी लेजेंडरी आउटफिट है ना गाइस, वो भी इतने सारे हैं कि भाई 20-20, 50-50 है, मतलब एक ही आउटफिट के। इन्होंने वो भी नहीं कर रखे, इनको वो कर लेते ना लोग सिल्वर फ्रेगमेंट वगैरह ले लेते, वो भी नहीं। ये देखो यहाँ पर गाइस, ये यहाँ पर जाके भाई मिथिक आउटफिट इनके खत्म हो जाते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को इनकी लेजेंडरी आउटफिट की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ये देखना ठीक है ध्यान से। इनके पास कुछ ऐसे ऐसे आउटफिट है जिनके 50-50 कपड़े भाई, 60-60 कपड़े, 20-30 ऐसे ऐसे। देखो अब चलते हैं हेलमेट पे। तो भाई हेलमेट की स्किन में से देखो कुछ खास है नहीं, इनके पास 6 मिथिक हैं, बाकी सारी लेजेंडरी, पर बहुत सारी हैं फिर भी यार। इवन हमारे पास में तो इनमें से 2-3 लाइन भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में। तो भाई ये है इनके हेड गियर। तो हेड गियर देखो अल्टीमेट सेट के और आई थिंक एक्सूट वगैरह के होते हैं, पर मोस्टली ये ना अल्टीमेट सेट के, जितने भी येलो वाले। तो इसमें भी कुछ खास नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम लोग वेट कर रहे हो कि भाई गाड़ियों की स्किन दिखाओ, गाड़ी की स्किन कौन कौन सी इनके पास, वो भी दिखाने वाला हूँ, बस वेट करते जाओ ठीक है। तो गाइज ये देखो भाई, भाई ये है इनके पास में भाई, कितने सारे मास्क है, मास्क है ना ये, हाँ वो सारे मास्क है, ये इनके ये है मास्क, वो के वो हेड गियर्स थी थे वो भाई साहब, इतने सारे मास्क गाइज, भाई थक जाएंगे हम लोग लिटरली पता है। और बैक की स्किन देख सकते हैं गाइज यहाँ पर भाई, 8 मिथिक बैक की स्किन है और बाकी सारी लेजेंडरी हैं। बट जितनी भी है ना, मैं तो कह रहा हूँ लेजेंडरी भी अगर हमारे पास इतनी आ जाए ना भाई, मजा आ जाएगा गाइज। ऑलराइट तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं भाई गाड़ियों की स्किन पे जो आप लोगों की फेवरेट है। तो सबसे पहले यूएस में देख सकते हैं इनके पास में 2 मिथिक हैं और बाकी सारी जो लेजेंडरी हैं बहुत है, लेकिन अपग्रेडेबल भी है भाई इसमें। तो 2 तो अपग्रेडेबल चली गई, ये वाली एक अपग्रेडेबल है और आई थिंक एक ऊपर भी थी ये वाली, जी हाँ गाइज। अभी चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो इसमें इनके पास आई थिंक कोई मिथिक आई भी नहीं है, इसलिए इनके पास है नहीं ठीक है। यस गाइज हाँ, इसमें कोई मिथिक गन की स्किन नहीं आई, दैट्स वाई इनके पास में नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये पिकअप में इसमें कोई स्किन नहीं आई, इसमें नहीं आई। ये टेस्ला वाले ट्रक से जो आई थिंक सैनहॉक में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये भी भाई इनके पास 3 के 3 टेस्ला ट्रक है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई कूप पे, और कूप पे तो इनकी इतनी स्किन है ना, मतलब अभी जो बुगाटी आई थी ना भाई, इनकी इन्होंने सारी बुगाटी निकाल के रखी है भाई। ये तो खैर डासिया है ठीक है, डासिया है गाइज ओके, डासिया में ये अपग्रेडेबल स्किन होती है क्या भाई? अबे भाई साहब खतरनाक आदमी है भाई ये देख रहे हो गाइज, डासिया में भी अपग्रेड, और नॉर्मल तो पता नहीं कितनी सारी स्किन है भाई, मेरे को लग रहा है खत्म ही नहीं होने वाली है। देखो ओ तो यहाँ पर मिराडो की आई थिंक कोई स्किन नहीं है, वो भाई यहाँ भी मिथिक स्किन है कोई, ये कौन सी गन है पता नहीं। ऑल राइट ये आ गई भाई यहाँ पर कूप की स्किन। तो जैसे कि तुम लोग बता रहे पहले देखो कॉनिक सिग और लेम्बोर्गनी और बुगाटी सारी हैं भाई। लेम्बोर्गनी का वो जो वो वाला जो होता है ना, जो बहुत ही सारी गाड़ियों निकालने मिलता है, वो भी इनके पास है। और जो बुगाटी सारी निकालने के बाद में एक गाड़ी मिलती है, वो भी इनके पास में। देखो सबसे नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये जब आप 6 की 6 बुगाटी निकालते हो ना भाई, तब जाके आपको ये वाली गाड़ी मिलती है। तो भाई मजा आ गया देख के। अभी आगे देखो बाइक की स्किन है, बाइक की स्किन है तुम लोगों को कुछ ज़्यादा दिखाना चाहूँगा नहीं, बस स्क्रॉल हो रहा है तो देख लो यार, मतलब कौन कौन सी बाइक में भी अपग्रेडेबल है बताओ भाई, हद हो गई यार। ये देखो भाई ये 3-सीटर की स्किन ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं बोलना चाहेंगे, खास क्या यार, मतलब जहाँ हम इतनी सारी चीज़ें देख के आ गई, ये चीज़ तो कुछ असर नहीं करने वाली। बग्गी की भाई, बग्गी पे तो स्क्रॉल मार दो भाई, कितनी स्किन है भाई दिखा दो एक बार। अरे भाई तो भाई नाव की स्किन तो मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि नाव की स्किन ना बहुत ही रेयर होती हैं, मैंने देखा है लोगों के पास एक दो ही होती, ज़्यादा होती है भी नहीं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे तुम कितनी सारी नाव की स्किन है भाई, शॉर्ट भी सही है गाइस यार ये तो। ओके तो अभी नेक्स्ट क्या रह गया है, आई थिंक सो ये तो अदर्स है, इनको छोड़ देते हैं। ओ भाई मोट, भाई मोट तो इतने ना गाइस, लिटरली भाई देखो स्क्रॉल करते जाओ, आप स्क्रॉल करते जाओ, लिटरली इमोट खत्म नहीं होने वाले हैं भाई, स्क्रॉल करते जाओ। एक दो इमोट करके भी दिखा देते हैं भाई, यहाँ पर देख लो भाई कितने खतरनाक इमोट है। ओहो ठंड लग गई, यस भाई क्या इमोट है। एक मेरा घूसे वाला जो फेवरेट इमोट है ना, वो दिखाओ भाई, ऐसे करता है ना आके। मिस्टर साहब स्क्वाड पे था भाई ये आउटफिट, बहुत मतलब बहुत पसंद करता हूँ मैं इस वाले आउटफिट को, इमोट को सॉरी। ये भाई साहब तो भाई प्लेन की स्किन में तो देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब है क्या, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें इतनी खास नहीं जितनी वो चीज़ें जो हम देख चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई, दैट्स इट। तो ठीक है गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही है वीडियो में, ये थी इंडिया की #1 इन्वेंट्री, और साथ ही में ये आप लोगों के लिए इनकी इन्वेंट्री में देख रहे हो भाई बुगाटी वगैरह का सामान रखा हुआ। जाओ जल्दी से यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेट करो सैटरडे का। और हाँ गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सबसे पहले इसे शेयर करो, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे 20,000 लाइक कंप्लीट करा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।